नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डीएसआर जोन में। पानी को छूकर बोल देना ये शब्द, जी हाँ मित्रों, एक ऐसा उपाय, एक ऐसा टोटका जो खराब से खराब संबंध, बुरे से बुरे रिश्ते को सुधार देता है हमेशा के लिए। अगर दो व्यक्तियों के बीच, चाहे वो स्त्री पुरुष हैं, पुरुष पुरुष हैं, स्त्री स्त्री है, कोई भी हो, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, कोई मित्र, कोई साथी, भाई बहन, किसी के बीच भी अगर रिश्ता बिगड़ रहा है, संबंध उनका खराब हो रहा है, ये पानी से होने वाला चमत्कारी उपाय करें। बड़ा ही सरल सा उपाय है, बड़ी ही सरलता के साथ, आसानी के साथ, बिना किसी परेशानी के आप इसे घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। जहाँ आपका दिल करे आप इस उपाय को वहाँ कर सकते हैं, लेकिन साफ स्थान हो और एकांत हो और छुपे हुए रूप से आपने इसे करना है। इस उपाय के बारे में आपने किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी है, बिल्कुल एकांत में और एकाग्रचित होकर आप इस उपाय को कर लें। आप देखेंगे इसका चमत्कारी असर, कैसे वो सामने वाला इंसान, जिसको भी आप चाहते हैं, प्रेम करते हैं, या जिसको आप अपने करीब लाना चाहते हैं, अपना संबंध जिससे आप ठीक करना चाहते हैं, वो बेचैन हो जाएगा, तड़प जाएगा आपके लिए इस उपाय को जब आप एक बार कर लेंगे, और खुद आपके पास आएगा, अपने सारे गिले शिकवे, मन मुटाव, जो भी आपके बीच में चल रहा है, जो भी नाराजगी है, सब दूर करेगा और बंध जाएगा हमेशा के लिए आपके साथ। तो मित्रों, आइए जानते हैं किस प्रकार से इस उपाय को आपने कर लेना है। इस उपाय को आप सप्ताह में किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन, किसी भी समय ये उपाय किया जा सकता है। उपाय को शुरू करने से पहले अपने हाथ मुंह पैर अच्छे से एक बार अवश्य धो लें। यदि आपने स्नान किया हुआ है तो कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी आसन कपड़ा आप बिछा लें साफ, और उस पर आपने बैठ जाना है पालती लगाकर, चौकड़ी लगाकर। साथ में आपने अपने एक, जैसे पात्र दिखाया गया है, कोई भी कटोरी ले लें और पात्र को अपने सामने रख लें। जो पानी आप इसमें लेंगे वो बिल्कुल साफ पीने योग्य पानी होना चाहिए। जो पानी आप पीने में इस्तेमाल करते हैं वही पानी आपने लेना है। इसे आप अपने सामने रख लेंगे। जब आप इसे रखेंगे तो किसी अन्य वस्तु के ऊपर, कोई चपटा पात्र ले लें, जैसे प्लेट हो, थाली हो, या आप कोई कपड़ा या कोई कागज ले सकते हैं, उसके ऊपर ही इस पात्र को रखें जिसमें आपने पानी रखा है। अब आपने क्या करना है, आगे की तरफ झुककर सबसे पहले इस पात्र में आपने हल्का सा अपने चेहरे को एक बार देख लेना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, चेहरा हटा लें और इस पात्र को, जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया है, आपने इस पात्र के अंदर हल्की सी अपने सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली है वो छुला देनी है, और उसके बाद उस व्यक्ति को 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड आँखें बंद करके स्मरण करना है। जब आप उसे ठीक प्रकार से विचार लें, सोच लें, तो उसके बाद आपने इस मंत्र का, जो कि वीडियो में दिखाया गया है, उसका उच्चारण कर लेना है। ओम ह ओंग अमुक वशो स्वाहा, ओम ह ओंग अमुक वशो स्वाहा। ये मंत्र मित्रों आपने 5 बार बोलना है। उंगली को बाहर निकाल लें। अब आपने क्या करना है, अपने सीधे हाथ से ही थोड़ा सा पानी छुलाकर अपनी उंगलियों पर नीचे ज़मीन पर गिरा देना है। जो ये पानी है जो पात्र में रखा गया है, इसे आप लेकर पात्र को उठ जाएं, उस स्थान से घर से बाहर जाएं, घर के सामने दाएं बाएं किसी भी दिशा में आप इसे अपने सीधे हाथ से हल्का सा नीचे झुक जाएं और इसे गिरा दें। अगर आप नहीं जा सकते घर से बाहर तो आप अपने घर की छत पर जा सकते हैं, वहाँ इसे गिरा दें। जब पानी गिराएं, धीरे धीरे गिराएं और उस व्यक्ति का 3 या 5 बार नाम ले लें, हल्का हल्का मन में ही। ये मित्रों आपने कार्य किया। जो सामान है आपका, सामग्री है जो आपने ली है, उसे आप एक तरफ कर दें, पात्र को धो लें। इस उपाय को करते ही मित्रों वो सामने वाला इंसान, जिसके लिए भी आपने ये उपाय किया है, वो आपको याद करने लगेगा, आपके लिए तड़पने लगेगा और खुद आपके पास आएगा आपको मनाने। मित्रों आशा करते हैं उपाय आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब दे आ गया, फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही बहुत ही शक्तिशाली और खूबसूरत से उपाय के साथ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, नमस्कार।